नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं? अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस की डिमांड आज के समय में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन कोई नहीं है। इसे कैसे घर पर आप खुद बनाएं और इसकी लागत 20 रुपये आएगी, मार्केट में बिकेगा कितने में, 140 रुपये में। इस बिजनेस को कैसे बनाएं ये जानकारी हम खुद देंगे। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत हमने खुद किया था 2012 में और आज दोस्तों मेरे पास 2500 प्रोडक्ट हो गए हैं। हमने खुद इसकी शुरुआत किया था। दोस्तों हमारे चैनल पर आप चार टाइप के बिजनेस की जानकारी पाएंगे और चारों टाइप के बिजनेस मैं करता हूँ, यानी कि मेरे घर में होता है। मैं बिजनेस फार्मा हैंडल करता हूँ, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैसे करवाएं, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कैसे करवाएं, या इस प्रोडक्ट को हम अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, कितनी लागत आएगी, किस कंपनी से बनवाएं और किस प्रोडक्ट की शुरुआत करें, पहला। दूसरा, आपको किराना से संबंधित सारे बिजनेस की जानकारी मिलेगी कि किराना का हम थोक में कैसे बिजनेस करें, इसका हम रिटेल में बिजनेस करें। मान लीजिए इसको हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, चाहे मसाले का हो गया, चाहे तेल का हो गया, कैसे बनाए इसकी जानकारी। और तीसरा बिजनेस है दोस्तों कपड़े का, रेडीमेड कपड़े का, साड़ी का, किस तरह से हम इसका थोक का काम करें, किस तरीके से हम रिटेल का काम करें और इस कंपटीशन के युग में हमारी दुकान पे लाइन लग जाएगा, वह कौन सा सीक्रेट बिजनेस है, सीक्रेट फार्मूला है जिसे अपनाया जाता है, कौन सी बनिया बुद्धि है जिसे अपना करके इस बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। और फिर हम रेडीमेड का बिजनेस बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बनाएं, अपने भी दुकान पर बेचें और सप्लाई भी करें। और चौथा बिजनेस है दोस्तों स्पोर्ट का बिजनेस, यानी कि जूते चप्पल का बिजनेस जो सबसे ज़्यादा चलता है। तो जूते चप्पल का हम थोक में बिजनेस कैसे करें, रिटेल में कैसे करें और इस जूते चप्पल को हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये चार टाइप के बिजनेस आप हमारे चैनल पर पाएंगे और चारों रियल पाएंगे। इन चारों में से कोई भी बिजनेस आपको जब भी करना हो, जिस चीज की आपको जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत वो जानकारी हम आपको दे देंगे। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमसे आप जुड़े रहिए, भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आप पूछिए। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस में आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी रियल। मैं किसी से पूछ कर नहीं बताता हूँ कि भैया ये बिजनेस कैसे चलेगा, जो मैं बिजनेस किया हूं और मैं इस बिजनेस के क्षेत्र में 1998 से हूं, तो आप जान सकते हैं 25 साल का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर भाई का, मार्केटेड भाई का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, और मार्केट में कैसे अपनी सेल्स टीम तैयार करें, हम अपनी सेल्फ टीम को कैसे डेवलप करें, A to Z जानकारी मिलेगी, A to Z। तो दोस्तों चलिए, अगर आपने 10 मिनट का हमें अपना समय दे दिया, ये अपना कीमती समय, तो आज आप यहाँ से एक ऐसी जानकारी लेकर जाएंगे और उस बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कॉस्मेटिक में आता है या आपके घर की नीड है, लेडीज़ की ज़रूरत है, जेंट्स की ज़रूरत है, गरीब की ज़रूरत है, अमीर की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ इसे आप अपने घर पर ब्रांड बनाकर कैसे कर सकते, दुकान नहीं चाहिए, गोदाम नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, पूंजी मात्र 2000 से, पूंजी मात्र 2000, और वो 2000 पूंजी को आप 2 लाख कैसे बनाएंगे एक महीने में, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लेते हैं, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप फेस वॉश लेने जा रहे हैं, आपको किसी कंपनी का फेस वॉश ज़्यादा पसंद है, फेस वॉश ज़्यादा पसंद, आप जाएंगे आप कहेंगे भैया हमें एक फेस वॉश दे दीजिए, तो क्या नाम से मांगा, ये तो आपने कहा नहीं भैया हमको एलोवेरा फेस वॉश दे दीजिए। अगर आपने कहा कि हमें एलोवेरा फेस वॉश दे दीजिए तो दुकानदार कौन सा एलोवेरा फेस वॉश देगा, जिसे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही फेस वॉश उठा के आपको दे देगा। तो लेंगे नहीं लेंगे, तब आप कहेंगे भैया इस नाम का हमको दे दीजिए, मान लीजिए उस नाम का क्या है, उस नाम का ब्यूटी फेस वॉश क्या है, ब्यूटी फेस वॉश, मान लीजिए उसका नाम है ब्यूटी फेस वॉश, अब उसे कहेंगे भैया हमें ब्यूटी फेस वॉश दीजिए, तो ब्यूटी फेस वॉश आपने क्यों नाम लिया, इसका नाम आपने क्यों लिया, क्योंकि इसे आपने यूज किया है, इस पर आपको इसकी क्वालिटी पर भरोसा है, अब ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, महंगा है सस्ता है नहीं जानते आप, किस कंपनी का है नहीं जानते आप,
हो सकता है कंपनी भी जानते हो, लेकिन आपने मांगा नाम से, तो क्या निकल के आया आपके सामने? एक नाम। क्या निकल के आया? एक नाम। और नाम का क्या हो गया? क्या फिर ब्यूटी फेस वॉश सब लोग रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो चूंकि वो फिर ब्यूटी फेस वॉश किसी जिस कंपनी का है उसने उसका क्या कर लिया है, रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब उस नाम से वही बेच सकता है, कोई और नहीं। नहीं तो पता लगा दोस्तों आपने अपना ब्रांड लिया और ब्रांड को बनवाया, या ब्रांड को आपने खुद बनाया, नाम लिया और उस नाम को फेमस कर दिया, कल का कोई और उस नाम से रख लेगा तो आप क्या करेंगे? तो बेचने लगेगा, वो ट्रेडमार्क करवा लेगा, आप पिट जाएंगे। इसीलिए इसको क्या करवाया जाता है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ट्रेडमार्क जैसे जानते हैं टीएम लिखा रहा था, आर लिखा रहा था, दो टाइप लिखा रहता था, लेकिन पहले टीएम लिखा जाता था, आर लेने के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ता था, अब आपको आर मिलता था। लेकिन अब ऐसी सिस्टम नहीं है। 2012 में जब हमने प्रोडक्ट को अपने ट्रेडमार्क करवाया था तो पहले टीएम मिला था 6 महीने के लिए, टीएम बाद फिर आर मिला 5 साल के लिए टीएम मिला, फिर 5 साल बाद आर मिला। लेकिन अब क्या होता है, अब आर तुरंत से मिल जाता है 1 महीने बाद, टीएम तो तुरंत ही लिख सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो टीएम और आर क्या हुआ, अगर आपने नहीं जानते होंगे तो ये भी बता दे, ये दोस्तों सरकार की एक साइड होती है, सरकार की एक प्रोडक्ट की साइड होती है आईपी इंडिया। इस आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, इस पे आप खुद जाकर के सर्च कर सकते हैं। आईपी इंडिया जैसे डालेंगे तो इसकी साइड खुल जाएगी, साइड पे जाएंगे पब्लिक सर्च, पब्लिक सर्च पे जाएंगे तो वहां पे आता है प्रोडक्ट सर्च, तो वहां पे प्रोडक्ट का नाम डालिए, कैटेगरी डालिए, कैटेगरी डालना पड़ता है, इस कैटेगरी के अंतर्गत इतने प्रोडक्ट आते हैं। अब इतने कैटेगरी के अंतर्गत जो प्रोडक्ट आता है उसमें कोई और नहीं रख सकता है, उस नाम से कोई और नहीं रख सकता। तो दोस्तों ये ट्रेडमार्क हो गया, तो आपका ये 10 साल के लिए ट्रेडमार्क हो गया, तो ये करवाना पड़ता है। इसीलिए ये करवा लेने से ये आपके नाम से कोई नहीं, अब आप इसको धुआंधार बेचिए, क्वालिटी दीजिए, बेस्ट क्वालिटी दीजिए, ब्रांड बनाइए। आप देखते होंगे गाड़ी हो गया, होंडा हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया, मैं किसी गाड़ी का यहाँ नाम नहीं लूँगा, अगर उन्होंने उसका ट्रेडमार्क करवाया है, उसका कॉपीराइट करवाया है, उस पर देखते होंगे एक लोगो बना होता है, नाम प्लस लोगो, और उसी लोगो से उसकी पहचान होती, नाम से नहीं, लेकिन उस लोगो को जैसे आप देखते हैं आप जान जाते हैं फला गाड़ी की कंपनी की गाड़ी है, लोगो। तो नाम और लोगो दो चीजें निकल कर आती है, यही दो चीज लेकर के आदमी प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी करता है। ये दोनों लोगों के आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा सरकार की साइड पर, उसके कुछ फीस वगैरह होते हैं आपको देना पड़ता है। तो नाम हो गया आपका, आपने नाम डिसाइड कर लिया, अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करना है, जो प्रोडक्ट लेंगे। अब वहां पर दो तीन चीजें आप अपने मतलब एक एग्रीमेंट बनाइए, अपना एक रजिस्टर बनाइए, और तीन चार चीज़ें उस पर लिख लीजिए कि जब भी मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, मैं इसके रॉ मटेरियल से कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, और दोस्तों प्रोडक्ट में जो पैकिंग डिजाइनिंग होगी वो प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइनिंग वर्ल्ड क्लास की होगी, वर्ल्ड क्लास की। तीन चीज़ देखा जाता है, लोग उसकी पैकिंग डिजाइनिंग देखते हैं, और प्रोडक्ट में क्या देखा जाता है, जैसे आपने 100 ग्राम कोई लिक्विड भरा है या 100 ग्राम का कोई पाउडर भरा है तो डिब्बा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिसमें 100 ग्राम आप लिक्विड रख रहे हैं मान लीजिए 150 ग्राम, देखने में लगे कि डिब्बा बड़ा है ज़्यादा होगा लेकिन मात्रा उतने होते, ये अट्रैक्शन करने का होता है। और उसकी पैकिंग सबसे ज़्यादा पैकिंग और कलर पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें होके निकल कर आती है। तो चलिए जो प्रोडक्ट आज मैं बताने वाला हूं वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इस समय बहुत बिक रहा है, एलोवेरा जेल बिकता है, इसका एलोवेरा जूस भी आता है, एलोवेरा शैम्पू भी आता है, एलोवेरा साबुन भी आता है, एलोवेरा पेस्ट भी आता है, क्योंकि इस समय मार्केट में इसकी डिमांड है। डिमांड क्यों ना रहे, ये दोस्तों बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो एलोवेरा जेल आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे इसको अपना ब्रांड बनाना है, बस ये चीज़ है। अब इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए, नहीं चाहिए, इसके लिए कहीं दुकान चाहिए, नहीं चाहिए, इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाना है, नहीं चाहिए। यहाँ पे आपसे दो चीज़ें मांगा जाएगा जब आप प्रोडक्ट रजिस्टर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको पैन नंबर चाहिए, दूसरा एक नाम आपको देना पड़ेगा, और लोगो, लोगो नाम दे दीजिए, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, और जो सॉरी पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, जो आपका घर का परमानेंट एड्रेस है, आपके नाम से प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब आगे चल के अगर आप इसे कंपनी का रूप देना चाहते हैं
कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों हमने 2012 में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाया था, 2012 में। उस समय उसकी फीस दोस्तों सरकारी फीस जो जमा होती है, जो आपको रसीद मिलती है, वो 10,000 होती है। लेकिन इसे आप किसी संस्था से करवाएंगे, किसी CA से करवाएंगे, किसी एडवोकेट से करवाएंगे, तो दोस्तों इसका 10 का 20 कोई लेता, कोई 25 लेता, कोई 50 लेता है, कोई 1,00,000 रुपए लेता है। यहाँ तक इसकी डिमांड है। हालांकि ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, उसमें कुछ टेक्निकल होता है, कुछ कागजात मांगे जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें होते, तो हमने 2012 में करवाया। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंपनी लिमिटेड करवाइए, अगर बजट है तो। नहीं बजट है तो मत, अभी प्रोडक्ट अपने नाम से ट्रेडमार्क करवा सकते हैं और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो अब एलोवेरा जेल कैसे अपने घर पे बनाना है, क्या क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बस क्वालिटी। एलोवेरा आपको सब जगह इसकी खेती, अगर इसकी खेती भी आप करना चाहिए, पेड़ लगा दीजिए, 2 महीने में आराम से तैयार होता। और गाँवों में तो इतनी ज़मीनें पड़ी हुई है, खेत है, खेत खाली, खेत कितना पड़े रहते हैं, कहीं पे लगा दीजिए, बड़ा जिद्दी पेड़ है, तुरंत तैयार हो जाता है, कोई खाद माटी नहीं चाहिए। इसीलिए गुणकारी है, इसमें ना तो कोई रासायनिक खादें डाली जाती, कुछ ना कुछ अपने आप मिट्टी से, धरती के शक्ति से उत्पादन हो जाता है इसका। तो दोस्तों एलोवेरा जेल कैसे, क्या करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, कोई मशीन नहीं लेना, अभी हम आपको सिंपली बताते हैं, सब कुछ मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप घर पे बनाना चाहते तो घर पे बनाइए, और नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी से बनवा लीजिए, वो कंपनी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे दोस्तों अब आप देख रहे हैं, ये देखिए एलोवेरा जेल है, मेरे ब्रांड का एलोवेरा जेल है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको शीशी मिल जाएगी, मार्केट में जाएंगे प्लास्टिक की शीशी, इस तरह से आपको खाली शीशी मिलती है। और ये देख रहे हैं सील पैक, इसी तरह से सील पैक आप जाएंगे किसी भी पैकिंग मटेरियल की दुकान पे, आपको सील पैक मिलता है, ये देखिए। और ये सील पैक आपको कितने मिलता है, 350 रुपए में 1,000 मिलेगा, और इस खाली शीशी मार्केट में 250 रुपए में 1 मिलती है। अगर जब इसे आप क्वांटिटी में लेंगे, हजारों में लेंगे, दोस्तों 1.5 से 2 रुपए में ही मिल जाएगी। अब इस पर देख रहे हैं स्टिकर आप लगा सकते हैं। अब इस पर कुछ रूल्स पड़ा है, इसकी MRP क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, इसका दोस्तों एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और कुछ इंट्रेक्शन डाले जाते हैं, एलोवेरा का काम क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ता है। ये चीज़ें आप छपवा करके ऐसे बेच सकते हैं, ब्रांड लगा, कहीं लग रहा है ब्रांड नहीं, बस ये हो गया, आप इससे सर्टिफाई हो गए। अब इसको जेल क्या है, जेल निकालना आसान है, जेल निकालने की छोटी छोटी मशीनें आती हैं, 500-600 नहीं तो ऐसे, अगर आप घर पे निकालना चाहते हैं, छोटे में अगर शुरुआत करना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल निकालिए, ऊपर का छिलका हटा दीजिए, नीचे का लीजिए, एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में रगड़ करके बस उसका जूफ निकाल दीजिए, प्योर हो गया, क्वालिटी का प्योर हो गया, कोई मिक्स नहीं, क्वालिटी का प्योर जेल, ये जेल हो गया। इस ढंग से कर सकते हैं। अब इसके लिए एक डिब्बा चाहिए, अगर ऐसे बेचेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं, अब इस तरह से एक डिब्बा चाहिए, ये देख रहे हैं आप ये डिब्बा। अब इस डिब्बे पे ऐसे छपा छपाए आपको मार्केट में डिब्बा मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं भी प्रिंटर पे छपवा सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह ये डिब्बे छपते हैं। अब ये डिब्बा कितने में छपेगा, ये दोस्तों आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी क्वांटिटी में आप छपवाना चाहते हैं। अगर यही डिब्बा आप 10,000 डिब्बा छपवाएंगे तो आपको 1 रुपये में छपेगा, यही 2,000 छपवाएंगे तो 2 रुपये में, तब महंगा पड़ता है। जितनी लंबी क्वांटिटी होती है उतने सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनको क्या है, सिलेंडर तैयार करना पड़ता है, सारी चीज़ें सिस्टम बनाना पड़ता है, और एक बार जब वो सिस्टम बन गया, उनके यहाँ आप छपवाने लगे तो बार बार आपका होते जाएगा। तो 2 रुपये का ये हो गया आपका, 2 रुपये का आपका दोस्तों प्लाट डिब्बी हो गई, और 30 पैसे को बनता है सील पैक। और उसे सील पैक को कैसे करना है, सील पैक करने के लिए कोई मशीन नहीं लेना, बस सील पैक लेना, इसी पर रख देना है, प्रेस को गर्म करिए, बस प्रेस इसी पर रख दीजिए, सील पैक हो गया, बस मशीन लेने कोई मशीन जरूरत हुई नहीं, अब आप इसी में ऐसे पैक कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, अब ऐसे हटाइए, बस इसी में पैक कर दीजिए, अब देखिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से। अब इसकी MRP लिख दीजिए आप, MRP कितना है, इसकी MRP 140 रुपये, कितना है 100 ml का। आप चले जाइए एलोवेरा जेल देखने, तो अब MRP हम ज़्यादा इसलिए रखे हैं, MRP ज़्यादा रखे हैं, हम इस पर 30% 40% डील देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बस लागत कितना आएगी, कुल मिला जुला के 20 रुपये की लागत आएगी। आप 100 रुपये में आराम से बेचिए, 5 गुना
100 रुपए में नहीं 50 रुपए में आप बेचिए 100 ml का। कोई भी एलोवेरा जेल 120 रुपए 100 रुपए के नीचे नहीं है। MRP ज्यादा रखने से डील डिस्काउंट दे सके। ये तो ये हो गया अपना प्रोसीजर खुद घर पे। अब आपने क्वालिटी दे रहे हैं, सब कुछ बेस्ट दे रहे हैं, इसमें कोई चोरी कर नहीं सकता। आपका ब्रांड पहले से रजिस्टर्ड है, इस नाम से कोई नहीं। अब अगर इतना आप सोचते हैं ताम झाम कौन सा करे, तो मत करिए ताम झाम, कुछ मत करिए। ये आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, आप ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिए और ताम झाम मत कीजिए। अब एक GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब एक GST नंबर अगर अपना बना रहे हैं तो GST की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप गृह उद्योग लगा रहे हैं, छोटे में आप कर रहे हैं। जब 50 लाख से ऊपर टर्नओवर होता तो आपको GST नंबर लेना पड़ता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैटेगरी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कहीं पे 20 लाख हो टर्नओवर, कहीं पे 50 लाख हो, कहीं पर हो, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन एक हिसाब से अगर घर बना रहे हैं कोई GST लेने की जरूरत नहीं। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, बस लाइए, पैकिंग बनाइए, छोटे छोटे जनरल स्टोरों पे दीजिए, मेडिकल स्टोरों पे दीजिए, ऐसे बेच करके अपने यार दोस्तों के बेचिए, जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें बेचिए, अपना ब्रांड पॉपुलर करिए। ये हो गया। अगर ये ताम झाम आप नहीं करना चाहते हैं, आप बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे आप विजिट करिए। आप चाहे तो घर बैठे सब कुछ डील हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं मित्रों, कभी मत करना। आप वहाँ पे विजिट करना, विजिट करने से आपके आत्मबल बढ़ते हैं। वहाँ जाएंगे आप कंपनी देखेंगे, आपको भी होगा यार मैं भी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना करूँगा, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बनूंगा। इसलिए भूल से यहाँ पे डील मत करना, कंपनी विजिट करना, भले पैसे खर्च हो जाए। वहाँ जब आप विजिट करोगे उनके ऑफिस में, तो उनके ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से आपको मांगा जाएगा, आप अपना प्रोडक्ट ट्रेडमार्क अगर करवाए हैं, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट बताना है और GST नंबर बताना है। बस किस टाइप का आप बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक काम करना, आप मार्केट में पहले सर्च कर लेना किस कंपनी का एलोवेरा जेल सबसे ज़्यादा बिकता है, या कौन सा एलोवेरा जेल आप यूज करते हैं, कौन सा ट्रस्टेड करते हैं, उसकी पैकिंग क्या है, उसकी डिजाइनिंग क्या है, वही उठा लेना और ले जा करके उस कंपनी को देना पड़ेगा कि भैया इसी टाइप का हमको चाहिए। सेम तो आपको नहीं देंगे डिजाइन, सेम कलर भी नहीं देंगे, चूंकि ये कॉपीराइट होता है, तो आपको सेम उसी तरफ, मतलब कुछ हल्का सा इधर उधर अप डाउन करके उससे वेस्ट बना के दे सकते हैं। ये भी आपको डिजाइन नहीं करवाने की जरूरत, वो सारी किसी डिजाइन भी वही कर देंगे, नहीं तो अलग आप किसी के यहाँ डिजाइन करवाने जाएंगे तो भी 4-5 हज़ार रुपये मांगेंगे। तो डिजाइन का भी काम वही कंपनी कर देगी जो आपको बनाएगी। फिर वहाँ जाके आपको बताना है किस कलर में चाहिए, कैसी पैकिंग चाहिए, कितने बड़े डिब्बे में, कितने ML का बनवाना चाहते हैं आप, 100 ML का बनवाना चाहते हैं, 50 ML का बनवाना चाहते हैं, 200 ML का बनवाना चाहते हैं, आप जेल बनवाना चाहते हैं, शैम्पू बनवाना चाहते हैं, एलोवेरा क्या बनवाना चाहते हैं, सब कुछ बने। तो जब आप वहाँ से विजिट करेंगे, वहाँ आपको यही पूछा जाएगा। अब वहाँ विजिट करने का प्रॉफिट क्या है, जब आप वहाँ पे विजिट किए तो आप देखिए कितनी कंपनियों का प्रोडक्ट उनके यहाँ बन रहा है। अब वहाँ बनने का आप देखने के बाद आपको वहाँ एक आइडिया मिलेगा यार किस तरह से। दोस्तों मैं पहली बार जब विजिट किया था हिमाचल प्रदेश, मैंने एक कंपनी में नहीं, मैं 20 दिन हिमाचल प्रदेश एक होटल में रुक करके 20 दिन वहाँ हमने सर्च किया था। हर एक कंपनी में जाते थे, जूठे नहीं बनवाते थे तो भी वहाँ जाते थे, रेट लेते थे, उनका देखते थे उनके यहाँ कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी कंपनी कैसे है, कौन सी कंपनी IFO है, कौन सी कंपनी GMP सर्टिफाइड है, कौन सी कंपनी WHO है। मैंने 2010 में जब विजिट किया था तो सब कंपनियों पर, हिमाचल प्रदेश गया, हरिद्वार गया, यहाँ सारी कंपनियाँ मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं, देहरादून गया, सिड़ीगुली गया, यहाँ सारे जाके विजिट किया, सब टहरा, एंजॉय किया, नॉलेज लिया। नॉलेज ही बेस्ट, हम जितना बता रहे हैं इससे ज़्यादा नॉलेज आपको आएगा जब आप खुद विजिट करेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। तो वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और आपकी सारी डील हो जाएगी, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मांगा जाएगा बस। और उसमें जो पैकिंग मटेरियल, जैसे पैकेजिंग जो रूल होते हैं, वो सारी कंपनी उसकी काम है, कोई टेंशन नहीं। आप ये सीधे से जान लो, आपको प्रोडक्ट नाम अपना, ब्रांड नेम बताना है, पैकिंग डिजाइन बताना है और कुछ नहीं बताना। अब वहाँ आपसे पूछा जाएगा आप कितना बनवाना चाहते हैं क्वांटिटी, वहाँ से आप, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कितना बनवाना चाहते हैं, 1000, 500, 2000,
5,000 10,000 कितनी पीस बनवाना चाहते हैं, तो पीस के ऊपर कुछ ऊपर अप डाउन रेट हो सकता है। जैसे आप 100 ml का 500 बनवाना चाहते हैं, 100 ml का 500 पीस बनवाना चाहते हैं, 1,000 पीस बनवाना, तो जितने कम बनवाएंगे उतना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और जितने ज़्यादा बनवाएंगे उतने आपका सस्ता पड़ेगा, उतने सस्ता पड़ेगा। क्योंकि भाई उनको सिलेंडर करना, तमाम चीज़ें करना, पैकिंग मटेरियल बनवाना है, तो मतलब 2-4 रुपए का डिफरेंट पड़ेगा, 2-4% का। जैसे मान लीजिए आप 100 ml का बनवा रहे हैं, 100 ml का 1,000 पीस बनवा रहे हैं, अगर उसकी कीमत मान लीजिए एक अप्रोक्स कीमत नियर अबाउट बताया जाता है 20 रुपए पड़ रहा है, तो अगर यही आप 5,000 बनवाएंगे तो 1900 रुपए में पड़ेगा, 18 रुपए में पड़ सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, उनको उतना ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा, उनका ज़्यादा प्रॉफिट, तो इस हिसाब से। तो जिस दिन आपकी उनसे डील डिस्काउंट पक्की हो जाएगी, डील डिस्काउंट पक्की हो जाएगी, उसके 20 से 25 दिन के बाद आपके एड्रेस पर, जो आप एड्रेस लिखाए हैं, अपने घर का एड्रेस लिखाए हैं, वहाँ से माल डिलीवर हो जाएगा। अब जिस दिन आपका ये फाइनल डील हो जाएगी, 50% डिस्काउंट आपको तुरंत, 50% पेमेंट आपको तुरंत देना पड़ेगा। 50% जब आपका माल रेडी हो जाएगा तो वहाँ से आएगा, भैया आपका माल रेडी हो गया, आज आपका माल डिस्पैच हो रहा है, तो आपको जो 50% पेमेंट है ये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 3-4 बार। और जब आपकी उनकी एक बन गया, घनिष्ठता हो गई, आप भी जुड़ गए उनसे, उनको भी लगा नहीं ये पार्टी भागेगी नहीं, ये पार्टी मार्केट में छाने वाली है, इस मार्केट को, मार्केट में अपना बिजनेस डेवलप करेगी, तो दोस्तों वो 35 दिन से 45 दिन की साइड भी देती है, आपका प्रोडक्ट बन के आपके घर पर आ जाएगा। उसके आप 35 दिन बाद हर एक कंपनी का अलग अलग रूल होता है, अब आप उनको पेमेंट डाल देंगे, इसके लिए आपको चेक देना पड़ेगा, चेक उनका उनके पास रहेगा, जो डेट आप डाले रहेंगे, ऐड पर चेक होता है, जो चेक पे आप डेट डाले रहेंगे उतने समय पे आपको अपने बैंक में डिपॉजिट कर देंगे चेक के, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इतना याद रखिएगा, ट्रस्टेड बिजनेस करिएगा, ये नहीं कि वो वहाँ पे चेक लगा रहे हैं इधर चेक बाउंस हो जाए, तो काम कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका विश्वास टूट जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से, और क्वालिटी की बात हुई, जो क्वालिटी आप कहेंगे वो क्वालिटी बन जाएगा, जैसे कहेंगे कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अब आपको किससे बनवाना है, आपने कंपनी सर्च किया, तो कंपनियां दोस्तों दो होती है, उसी में एक GMP सर्टिफाइड होती है, आप GMP सर्टिफाइड से बनवाइएगा। GMP सर्टिफाइड का मतलब हुआ गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, तो दोस्तों GMP सर्टिफाइड से बनवाइएगा, WHO कंपनी से, सर्टिफाइड कंपनी से बनवाइएगा। इनसे बनवाने के बाद आपके प्रोडक्ट एकदम जो उनके रूल्स होते हैं उस रूल के हिसाब से बनते हैं, प्रोडक्ट में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने एक प्रोडक्ट बनवा करके भी कंपनी की शुरुआत करिए। लेकिन आप ये जानते हैं दिक्कत कहाँ पाते, प्रोडक्ट बनाने में नहीं, प्रोडक्ट बनवाने में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डालने में नहीं, बस इसको मार्केट में प्रेजेंट करने, सेल करने में दिक्कत आती है। तो आप सेल्फ टीम करिए, पहले छोटा बनवाइए, छोटी बैच बनवाइए, क्वालिटी बेच का लाइए, खुद पहले बेचिए, उसके बाद एक लड़का रखिए, एक लड़के से बेचवाइए। हमने दोस्तों पहले प्रोडक्ट बनवाया, पहले एक MR रखा, एक MR से हमने एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, जब हमारा वहाँ डेवलप हो गया तो फिर अगले MR को रखा, वहाँ डिप्ले, इसी ढंग से आप कर सकते हैं। तो आपको अनुभव होते हुए, और यही आपका अनुभव आपके काम आएगा, हम कितना भी बग 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 कर दें ये आपको काम नहीं आने वाला, इस काम को आप ही असली रूप देंगे, इस काम को आप ही असली रूप देंगे। तो दोस्तों इसलिए आप ये आइडियाज हम दे रहे हैं, बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी छोटा काम नहीं होता है, इसी छोटे काम को बड़ा काम किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, आप खुद गूगल पे सर्च करके कंपनी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप हमसे कहेंगे वो कंपनी का नाम हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं प्रोवाइड करता हूँ कि रोज कहेंगे कि इनका इनसे कनेक्शन है, इनका इनसे कमीशन फिट है, और ये यूट्यूब चैनल से ग्राहक बटोर के वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ से कमीशन लेते हैं। इसलिए मैं ये पाक साफ बिजनेस एकदम प्योर, आप वो काम खुद कर सकते हैं, और सबके पास स्मार्टफोन है मित्रों, फिर भी अगर हेल्प की ज़रूरत है एनी टाइम आपके साथ हम खड़े हैं। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को ऊँचाई तक ले जाएँ।